और ये आपके सामने यौम पाकिस्तान परेड की तारीख में पहली बार तुर्क मिलिट्री बैंड का दस्ता शामिल हो रहा है, जिसको तुर्की जबान में मेहतर बैंड कहा जाता है। द मेहतर इज सॉवरेनिटी, द मेहतर इज ग्रैंड्योर। मेहतर बैंड तुर्की की अस्करी फतुहात का अमीन और उनकी याद दिलाता है। ये बैंड तुर्क के शानदार माजी और हाल का अमीन है। ये बैंड तुर्क मुसल्ला अफवाज का लाजमी जुज्व है। 1299 में इस बैंड की बुनियाद पड़ी और 5 सदियां आज़ादी, अज़्म और हिम्मत की इन धुनों ने न सिर्फ अपने जाबाजों के जज्बों को छोला बनाया, बल्कि दुश्मन की सफ़ों में सनसनी और खौफ की लहर भी दौड़ाई। अपने रवायती लिबास में मलबूस तुर्क जानिसारी बैंड, जिसे मेहतर बैंड के नाम के तौर पर जाना जाता है। Ladies and gentlemen, history is being witnessed, a historical moment in Pakistan Day Parade's history. Today's parade, military band of Turkey Janissari is also participating for the very first time. The band, which is known as Mehter in Turkish language, has been exciting the patriotism and spirit of Turkish armed forces. This dasti ki qiyadat Lieutenant Colonel Murad kar rahe hain, Major Dennis Organ band कंडक्टर के प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं। सब तुर्की का जो मिलिट्री बैंड, उसकी आमद में भी तमाम हाजिर अपनी नशस्तों से खड़े हैं और ये आईनादार है तुर्क तारीख का और हमारे बरादराना ताल्लुकात। इंतहाई एक्सक्लूसिव मनाजिर खड़े होकर भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं तुर्क बैंड की। सीनियर कर्नल एर्दोगान बुदाकची खसूसी तौर पर इस बैंड के साथ आज की इस परेड में शरीक हैं। सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने अपने मखसूस रवायती लिबास हाजरीन की कसीर तादाद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सदर मम्लिकत जनाब ममनून हुसैन तुर्क मिलिट्री बैंड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और सलामी के चबूतरे के एन सामने एक नई फॉर्मेशन ले रहा है ये बैंड और एक सरप्राइज भी है आपके लिए ख्वातीन हज़रात। मनाजिर हैं यौम पाकिस्तान परेड 2017 के। लेफ्टिनेंट कर्नल मुराद और मेजर डेनिस ऑर्गन इस बैंड में शरीक हैं। एक नई फॉर्मेशन
रेडियो पाकिस्तान की खूबसूरत धुन बजाता हूँ मैं। हाजरीन जो है बिल्कुल करता ही यहाँ बजा रहे हैं, यही वो सरप्राइज था कि आप जिक्र हो रहा था आप में जा पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत धुन पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। लिखा हुआ ये मकबूल मिली नगमा जिसकी तर्ज जनाब सुहेल राणा साहब ने बनाई और सबसे पहले शहनाज बेगम ने से गाया जीवे पाकिस्तान। बैंड का पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज़,